माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ पालक के पराठे की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। इन पालक के पराठों को आप बच्चों के टिफिन में दीजिए, सुबह के नाश्ते में लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर क्लिक करिएगा और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए हम शुरू करते हैं फटाफट पालक के पराठे को बनाना। पालक का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg पालक ले रखी है। पालक को मैंने साफ करके इसको अच्छे से 4 से 5 पानी से धुल लिया है। फिर उसके बाद हमें चाहिए हरा लहसुन। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप इसमें सूखे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च। इतनी सामग्री हमें चाहिए इस पराठे को बनाने के लिए। सबसे पहले तो अपने पालक और इन सबको हम कुकर में डालकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये लहसुन, इसको हमें काटना नहीं है, हम इसको ऐसे ही डालेंगे। और इसमें हम ये डाल दे रहे हैं हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च। हरी मिर्च इसमें ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब हम डालेंगे इसमें पालक। पालक हमारी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत कड़ी पालक हम नहीं लेंगे इस पराठे को बनाने के लिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी इसमें हम बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं क्योंकि हमारी पालक में भी पानी अभी निकलेगा पकाते समय। अब इसको हम ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है पकने के लिए। अब इसको हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आ चुकी है, अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब इसको हम ढक्कन को खोलकर चेक करते हैं पालक हमारी पकी है नहीं। पालक हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसको एक मिक्सी जार में निकालकर इसको पीस लेती हूँ। मैं इसको इस मिक्सी जार में निकाल रही हूँ पालक को। हम पालक को निकालेंगे, इसका जो पानी रहेगा उसको नहीं निकालेंगे। पालक को मैंने बहुत अच्छे से देखिए पीस लिया है एकदम महीन। अब हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं पराठे के लिए। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये गेहूं का 500 ग्राम आटा ले रखा है। अब हम आटे में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी का मोयम। मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग मोयम डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक मैंने 1/2 चम्मच डाला है इसमें। नमक अपने स्वादानुसार आप डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हम हाथों में लेकर थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अजवाइन का, जब हम इस तरह से डालते हैं क्रश करके हाथों से। अब हम ये जो हमने पालक पीस के रखी हुई है इसको हम इसमें डालेंगे इस तरह से। इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पालक से ही आटे को गूंथेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते हुए। हम अभी हम थोड़ा सा पालक और डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसी तरह से हम चिकना आटा हम गूंथ लेंगे। आटा मैंने लगभग गूंथ लिया है, इसको अभी और गूंथते हुए हम इसको चिकना करेंगे। इस तरह से हम पंच की सहायता से इसको गूंथेंगे। इसको हमें बहुत टाइट नहीं गूंथना है, थोड़ा सा हम ढीला आटा ही गूंथेंगे पराठे के लिए। अगर आटा हमारा टाइट रहेगा तो पराठे हमारे बेलते समय फट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। आटे को मैंने एकदम चिकना गूंथ लिया है, इसको अभी मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। फिर उसके बाद हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। 15 मिनट हो चुका है और हमारा आटा बहुत अच्छे से ये फूल गया है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। हम आटे की इस तरह से एक लोई लेंगे, उसको हम इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें छोटी छोटी लोइयां इसकी इस तरह से कट कर लेंगे, जिस तरह से हम रोटी के लिए लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे राउंड शेप में। मैं इसका तिकोना पराठा बनाऊंगी, आप चाहे जैसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको हम हथेलियों से इस तरह से उसको हम पेड़ की शेप में कर देंगे। इस तरह से हम बाकी के भी लोई को राउंड शेप में गोल करके इस तरह से हम 2 लोई लेंगे, उसमें परथन लगा लेंगे। अब इसको हम हाथ
थोड़े से इस तरह से फैला देंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए फैलाते हैं लोई को। फिर से हम थोड़ा सा परथन लगाएंगे और इसको चपाती के शेप में हम बेलेंगे इस तरह से। हमने इसको रोटी की शेप में इस तरह से बेल लिया है गोल। अब मैं इस पे तेल लगाऊंगी इस तरह से। आप इसमें घी भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। फिर से हम इसको इस तरह से देखिए, इसके ऊपर से भी हम तेल को लगा देंगे। फिर से हम फोल्ड कर देंगे इसको। अब इसको हम हाथों से इस तरह से पुश कर देंगे, दबा देंगे। अब हम लगाएंगे इस पे थोड़ा सा परथन। अब हम इसको बेलेंगे तिकोना एकदम। ये हमने पराठे को एकदम तिकोने शेप में बेल लिया है। इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी बना लेंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसको भी हमने राउंड शेप में बेल लिया है रोटी की तरह। अब इसके ऊपर से भी हम तेल लगाएंगे इस तरह से। इसको फैला देंगे पूरे में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ये सूखा आटा। सूखा आटा डालने से अगर आपकी लेयर नहीं बन रही है तो इसकी लेयर बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस पे भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, तेल। अब हम फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे। अब हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको भी बेल लेंगे जैसे हमने पहला वाला बेला था, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। आप दोनों तरीके से पराठे की जो लेयर है जो मैंने फोल्ड किया तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये हमने इस पराठे को भी बेल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बना लेंगे। पराठे को मैंने बेल लिया है। अब हम इसको सेकने की तैयारी करते हैं। चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। तवे को मैंने गैस पे गर्म होने के तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे हम पराठे को डाल रहे हैं। अभी इसको हम एक साइड से कुक होने देंगे, उसके बाद फिर इसको हम पलट के इसके ऊपर तेल को लगाएंगे। पराठा हमारा एक साइड से कुक हो गया है। अब इसको हम पलट देते हैं और इसके ऊपर हम तेल को लगाएंगे। आप चाहें इसे घी में भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लिया है इस तरह से। हम देखिए चम्मच से तेल को लगा देंगे चारों तरफ फैलाकर अच्छे से। अभी इसको हम दूसरी साइड से चेक करेंगे हो गया है कि नहीं। अभी इसको हम दूसरी साइड से और कुक होने देंगे। पराठा हमारा दूसरी साइड से भी हो चुका है। अब इसको हम पलट देते हैं। अब इसके ऊपर से भी हम तेल को लगा देते हैं। इसको अभी हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। पराठा हमारा हो चुका है। देखिए इसकी लेयर भी बहुत अच्छे से दिख रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अलग हो गई है इसकी लेयर। पराठे को हम धीमी आंच में ही कुक करेंगे, तेज आंच में हम नहीं कुक करेंगे, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे से नहीं पकेंगे। पराठा हमारा हो चुका है। इसको हम अब तावे से अलग कर लेते हैं। अब हम दूसरे पराठे को भी हमने डाल दिया है तवे पर। इसी तरह से हम इसको भी सेक लेंगे। हमने दूसरे पराठे को भी पलट दिया है। अब इसके ऊपर से भी हम तेल को लगा दे रहे हैं जैसे हमने पहले लगाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें लगाना है। इस पराठे में जो हमने अजवाइन डाला है, अजवाइन से इस पराठे का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें लहसुन पड़ा हुआ है,
हरी मिर्च पड़ी हुई है, धनिया पड़ी हुई है हरी, इससे इसका फ्लेवर पराठे का बहुत ही अच्छा आता है। हमने इसको पलट दिया है, दूसरी साइड में भी हम तेल लगा देते हैं। आप इन पराठों को गर्मा गर्म खाइए, सुबह के नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम दूसरे पराठे को भी तवे से हटा लेते हैं और हम इसी तरह से बाकी के पराठे भी अपने सेक लेंगे। सारे पराठे हमारे सीख के तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, पालक के बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इन पराठों को सुबह के नाश्ते में दही, अचार या चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।